2014 के घोषणा पत्र में मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वह उसे पूरा नहीं कर पाई है और वही वादे 2019 के घोषणा पत्र में भी दोहराए जा रहे हैं। बीते 5 वर्षों में मोदी सरकार ने लोकतंत्र का, संविधान का और सदन का कोई आदर नहीं किया, बल्कि देखा जाए तो प्रधानमंत्री सदन में अक्सर गैर हाजिर रहते हैं। पार्लियामेंट सबसे उच्च है। 12 जनवरी 2018 को उच्च न्यायालय के 4 जजों ने संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि संविधान लोकतंत्र खतरे में है। भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई कि 4 जज सामने आकर कहते हैं कि लोकतंत्र संविधान खतरे में है, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। इतना ही नहीं बल्कि एक जज ने अपनी फेयरवेल पार्टी में यह कहा कि मैं फ्रैक्चर केस छोड़कर जा रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ऐसा प्रतिपादन सांसद मजीद मेमन ने खामगांव में संवाददाता सम्मेलन में व्यक्त किया। बहुत सारे आरोप यूपीए पे लगाए जा रहे हैं। इनकी सरकार में जो हम बताना चाहते हैं कि 5 वर्षों में इन्होंने लोकतंत्र या संविधान का कोई आदर नहीं, सदन का कोई आदर नहीं। प्रधानमंत्री अगर उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड निकाला जाए 5 वर्षों का तो आप देखिए कि वो 80% में राजी थे, और अगर देश के बाहर घूमते हैं और अगर देश में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, पार्लियामेंट के कंपाउंड में होते हैं, अपने दफ्तर में बैठते हैं या कहीं और बैठते हैं, सदन में नहीं आते, तो सदन का अपमान लगातार उन्होंने किया। उनको पार्लियामेंट की कोई वैल्यू नहीं, पार्लियामेंट मेरे एक मजाक है। हालांकि हमारे संविधान के मुताबिक, घटना के मुताबिक पार्लियामेंट ने सुप्रीम लॉ की पार्लियामेंट सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट को भी पार्लियामेंट ठीक कर सकता है, कानून बनाता है पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट को दूर ठीक कर देंगे अगर पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर पूरी देश की देश का प्रसार हो सकता है, वो पार्लियामेंट की उसने कदर नहीं की। और इनके ज़माने में आप देखें 5 वर्षों में संविधान खतरे में है, ये 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश ने उनके कहा। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, भारत के इतिहास में नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में आज तक कभी भी उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश ने, एक न्यायाधीश ने भी कभी ये खुल के नहीं कह दिया जो सेवा में है कि संविधान खतरे में। इस पर भी इनके कान पर चू नहीं लगी, 1 वर्ष पहले ये बात कही गई थी। उसके बाद इन्होंने सीबीआई का जिस तरह से नंबर 1 और नंबर 2 का झगड़ा चला। 19 फरवरी 2019 को एनसीपी के सांसद एडवोकेट मजीद मेमन बुल्ढाणा जिले के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 4 दिन पहले ही अमित शाह मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं और 2019 के चुनाव को भाजपा शिवसेना संयुक्त रूप से लड़ने का निर्णय ले लेती है। हालांकि सामना का कुछ दिन पूर्व का एडिटोरियल पढ़े तो मालूम होगा कि भाजपा के साथ ही शिवसेना के मुख्य अखबार सामना में प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर के नाम से ही संबोधित किया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि पत्रकार, सोशल मीडिया सभी डर कर काम करते हैं क्योंकि हमारे अधिकार भी छीने जा चुके हैं, हमारे अपने विचार व्यक्त करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हम अपने माध्यम से आपसे ये पूछना चाहेंगे कि भैया चौकीदार 17 फरवरी तक चोर था, तो चोर का भागीदार आप बन गए 18 को, तो अब हम सब चोर हैं, ये हुआ ना, हम मिल के सब चोरी का। अभी राफेल के बारे में वो बार बार कह रहे हैं कि चोरी का पैसा खाया मुझे, तो वही पैसे में से हिस्सा बांटने के लिए गए उनके साथ। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि बेशर्मी की, निकम्बेपन की हद होती है कि जो आदमी आपके प्रधान को चोर बोलता है उसके वहाँ घर में जाके वहाँ जोड़ के उनके साथ अपनी ड्यूटी कर रहा है, जनता को बेवकूफ़ बनाने की भी सीमा होती है। और अभी कल जो बयान हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुद्दे बताए कि हमारा पहला मुद्दा राम मंदिर, दूसरा मुद्दा जो है खुफिया दिलवाना है, जो ये बात कही हुई। हम ये जनता पूछना चाहती है भारत कि आप 2014 का आपका घोषणा पत्र उठाइए, यही तो है। 2014 में भी आपने यही वादे किए थे, 2019 में उसी वादों को फिर दोहरा रहे हो। तो पहला सवाल जनता आपसे ये पूछेगी, वोटर आपसे ये पूछेगा
कि 2014 में जो आपने वादे किए वो 2019 में पूरे नहीं हुए, 2019 में भी वैसे ही हैं, इसलिए आपके अभी के घोषणा पत्र में आए हो, तो आपकी एडमिशन है ना, इट इज़ एन एडमिशन ऑफ फेलियर। यू आर एडमिटिंग इन योर ओन घोषणा पत्र के भाई हमने 2014 में जो घोषणा के वादे किए थे वही मुद्दे हम 2019 में फिर दोहरा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने 5 वर्ष नहीं किया कोई घोषणा। अब इनके 5 वर्षों का अगर आप एक अकाउंट दें तो इतने दुख की बात है, मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में ठीक है स्कैम हुआ। हमने देखा है कि जब भी कोई विरोधी दल का बड़ा व्यक्ति मोदी के विरोध में बयान देता है तो ईडी और सीबीआई के आला अधिकारी दूसरे दिन उसके मकान और दफ्तर पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि लोकतंत्र में न्यायालय को ऊंचा दर्जा दिया गया है। जब कोई मामला अदालत में जाता है तो उसके बाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बाद आखिर में सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया जाता है। संविधान ने उच्च न्यायालय को बहुत अहमियत दी है। कुछ दिनों पूर्व लोकतंत्र वाले हमारे इस महान देश में कुछ व्यक्तियों ने अपने अवार्ड लौटा दिए थे। अवार्ड पाने वाला व्यक्ति बहुत अहमियत रखता है, लेकिन अवार्ड लौटाने वाले के बारे में सरकार ने जरा भी टस से मस नहीं किया, ना ही उस अवार्ड लौटाने वाले व्यक्ति को बुलाकर उससे अवार्ड लौटाने की वजह पूछी गई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक महीना पूर्व ही कांग्रेस और एनसीपी संयुक्त रूप से 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़ने का निर्णय ले चुके हैं और हमने फैसला किया है कि चाहे कांग्रेस सांसद चुनकर आए या राष्ट्रवादी के सांसद चुनकर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस भाजपा के सांसद को चुनकर नहीं आने देना, बल्कि हमारा तो यह मिशन है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि हमारे अर्थात एनसीपी और कांग्रेस दोनों दलों के सांसदों की संख्या डबल आंकड़ों में पहुंचेगी, कम से कम 20 से 25 सांसद चुनकर आने की हमें उम्मीद है, बल्कि हम अधिक सांसद लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव के शेड्यूल आने का भी कुछ दिन आ सकता है, आचार संहिता लग सकती है, गूगल बन जाएगा लोकसभा। उससे पहले ही पवार साहब ने मुझसे कहा कि बुल्ढाना में एक चक्कर आप लगाए, आपके हालात क्या है, हम उससे मिल के आते हैं। तो उस संदर्भ में पूरे दिन का विभिन्न लोगों से मिले और वो रिपोर्ट बना के पवार साहब को लेंगे, जाएंगे रात में वापस चला गया। अभी इतफाक से दो बहुत अहम चीज़ें हुई है, एक तो आज शिवाजी जयंती का भी है त्यौहार, उसके संदर्भ में भी हमने जगह जगह शिवाजी के पुतले पर पार्टी की तरफ से अंजलि दी और हमारे इत्तेफाक से वीर जवान बुल्ढाना से ही दो हैं, वो हादसा जो हुआ था 14 तारीख को उसके संदर्भ में भी हमने यहाँ पर आकर उसको श्रद्धांजलि दी। हमारे नेता शरद पवार भी सभी के चहेते हैं और उनके मार्गदर्शन में ही लोकसभा चुनाव 2019 लड़ा जाएगा। बीते 19 फरवरी 2019 की सुबह 7 बजे सांसद एडवोकेट मजीद मेमन शेगांव पहुंचे। इसके पश्चात बुल्ढाना सैलानी बाबा दरगाह, देउलगांव राजा, देउलगांव मही, उंदरी होते हुए खामगांव पहुंचे थे। VCN न्यूज़ के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट।